नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकेश सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आपको बता दूं कि गोवर्धन क्षेत्र में संतों की संदिग्ध अवस्था में मौत को लेकर के महामंडलेश्वर बाल योगी संत स्वामी प्रकाशानंद अपनी पूरी टीम के साथ क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आए दिन संतों की हत्याएं हो रही हैं, तो इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस मामले की जांच सही प्रकार से की जानी चाहिए। गोवर्धन क्षेत्र में संतों की संदिग्ध मौत से संतों में आक्रोश है कि कहीं ना कहीं यह हत्या तो नहीं। आए दिन संतों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के महामंडलेश्वर बाल योगी संत स्वामी प्रकाशानंद अपनी पूरी टीम के साथ घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे। वहां पर गोवर्धन सीओ से घटना की जानकारी लेते हुए स्वामी जी ने सीओ गोवर्धन से कहा कि इस घटना की निष्पक्ष जांच हो, सुसाइड केस ही नहीं मानकर इसे जलें, इसका दूसरा भी दृष्टिकोण देखें, साथ ही साथ कहीं ना कहीं कोई हत्या का षड्यंत्र तो नहीं। अतः इस मौके पर महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महंत रामकृष्ण दास विजय राघव बजरंग दल अध्यक्ष गोवर्धन सुरेंद्र सिंह फौजी पवन राजा देवेंद्र सिंह प्रथम सिंह बुद्धा सिंह प्रधान योगेश सहित वहां पे कई लोग उपस्थित रहे। जय संत समाज, आज हम गोवर्धन सीओ ऑफिस आए हुए हैं और जो दो संतों की अचानक मृत्यु हुई है उसको लेकर सीओ साहब से हमने बात की और उस घटना स्थल पर भी हम लोग गए पूर्ण संत समाज के साथ। मथुरा के संतों में आए दिन ये आक्रोश है कि कहीं ना कहीं संतों की हत्याएं हो रही हैं, चाहे वो संतों की हत्या पालघर की हो, चाहे वो करौली की घटना हो, चाहे वो गोड़ा की घटना हो, अन्य अन्य जगहों पर जो संतों की हत्याएं हो रही हैं या अनेक प्रकार से संतों का जहाँ मृतक शरीर पाया जाता है वो अज्ञात रूप से पाया जाता है, तो कहीं ना कहीं शक जाता है कि संतों की हत्या आजकल हो क्यों रही है और क्यों ऐसे संतों को कहीं समुद्र जमुना जी के किनारे पाया जा रहा है सब। तो ऐसे प्रकार से संतों के जो शव मिल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं भूमाफियाओं का उसमें हाथ है। तो मैं ये चाहता हूँ, मैंने सीओ साहब से भी इस बात को कहा है, एसपी साहब को कहा है, डीएम साहब को कहा है कि कहीं ना कहीं एक दृष्टिकोण को भी हम लोग रखें कि कहीं हत्या का कोई षड्यंत्र तो नहीं है और ऐसे कोई व्यक्ति सुना है कि इसमें चाय में किसी ने विष मिला दिया गया है या उन्होंने कोई दवाई मिला के पी ली है तो उन्होंने सुसाइड किया है या उनकी हत्याएँ हुई है, उस पर हम लोगों को आशंका है, उस पर हम जाँच चाहते हैं, चाहे वो सीबीआई जांच करे या यहाँ के प्रशासन के लोग जांच करें और बिल्कुल स्वच्छता से जांच चाहिए। और हम चाहते हैं कि आए दिन संतों पर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए आवाज़ हमारा मथुरा के संत समाज सभी उठाएंगे, सभी हिंदू विचारधारा वाले सभी लोग इस पर आवाज़ उठाएगा और निश्चय ही संत समाज चुप नहीं रहने वाला। आए दिन अगर ऐसी घटनाएँ होंगी तो हम लोग अपना जन आक्रोश दिखाएंगे। मैंने सबको ये आगाह किया है, चेतावनी भी दे रहा हूँ बार बार, क्योंकि संत समाज आज इतना मोहताज नहीं है कि आज चाहे जो व्यक्ति उनकी हत्या कर दे। संत समाज को फॉरेस्ट विभाग ने जंगलों से निकाल दिया, बेचारे आकर संत समाज जब समाज के बीच में आते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, अपना जीवन में उनके लिए कुछ नहीं है, वो समाज के लिए जी रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा उनके प्रति षड्यंत्र होता है और उनकी हत्याएँ कर दी जाती हैं और या कहीं ना कहीं पता चलता है कि आज ये संत ऐसे खत्म हो गए, पता नहीं क्या कारण था, तो कोई ना कोई कारण रही है उसकी बारीकी से जाँच हो। तो संतों का आए दिन हत्या हो रही, संतों पर आए दिन अत्याचार हो रहा है, कभी कोई मंदिर में जाके हम तोड़ फोड़ कर देता है, कभी कोई जाके मंदिर में जाके नमाज पढ़ लेता है, तो आए दिन संतों और मंदिरों और हमारे सनातन धर्म को लेकर कोई जो साजिश चल रही है हम उसका विरोध करते हैं और उस पर हम ये चाहते हैं कि मथुरा का प्रशासन सख्ती से सख्त कार्रवाई करे। जय श्री राम। कोई ऐसी चीज नहीं आई कि हाँ कोई इस जमीन पे पहले भी इंटरफेयर कर रहा हो या इस जमीन को लेना चाहता हो। आप इस दृष्टिकोण को भी थोड़ा सा लेकर चलें, मेरा मानना ये है इस दृष्टिकोण को लेकर चलें, जमीन के आसमान बनाने के साथ पहली बात तो ये है कि उस जगह कोई और आया नहीं उन तीनों के अलावा, वही तीन लोग थे, उन तीन के अलावा ना कोई आया ना कोई गया, तो वैसे वो तीनों लोग अकेले थे। जो फर्स्ट पर्सन वहाँ मृत लिया गया है उसका भी कहना यही है कि साहब जब मैं आया तो बाबा जी थे और ये दोनों लोग, तो बाबा जी का भी यही स्टेटमेंट है कि साहब वहाँ कोई नहीं था, हम ही तीन लोग थे, हम लोगों ने नहाया धोया अपना चाय पी। तो अभी तो बाहर के किसी आदमी का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं,
नाइट से ऐसा है ना, इसमें हमारे कप्तान साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं पर डे के हिसाब से, तो उनको डायरेक्शन है। ऐसा नहीं है कि कोई मामला हम लोग अपने स्तर से निपटा लेंगे और निपट जाएंगे, हमारे स्तर में नहीं है। इसकी पर डे की मॉनिटरिंग कप्तान साहब कर रहे हैं, पी आर ए साहब पर डे आते हैं, फिर वो खुद वहाँ आगरा गए थे। इस खबर बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।